हेलो प्यारे बच्चों कैसे हो आप लोग बढ़िया चलो वेक्टर एनालिसिस शुरू करते हैं आज की क्लास में ठीक है वेक्टर आपने पढ़ा होगा तो हम इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कॉन्सेप्ट्स को उसके बाद में फिर हम न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे सीधे जो प्रीवियस उसके क्वेश्चन पे क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे नीट के लिए ठीक है चलो तो शुरू करते हैं बेटा ओके तो देखो वैक्टर्स हम हमें पता है कि जो फिजिकल क्वान्टिटीज़ हमें फिजिक्स में हम जो पढ़ते हैं ना उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं एक आपके वैक्टर्स और दूसरे स्केलर्स है ना तो दोनों में डिफरेंस क्या है आपने पढ़ाई है दोनों में स्केलर जो क्वांटिटी होती, होती है फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है ना फॉर एग्जाम्पल आपके डिस्टेंस है डिस्टेंस आपके इसमें कोई डायरेक्शन नहीं पता चलती हमें लेकिन जैसे डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन बतानी पड़ती है मैग्नीट्यूड के साथ में क्या देनी पड़ती है डायरेक्शन देनी पड़ती है राइट right? अच्छा स्केल इसमें भी आपका दो तरह के हो गए आपके वैक्टर्स जो हैं वो एक तो हो गए आपके एक्सील वैक्टर एक्सीएल और दूसरा आपका पोलर क्या डिफरेंस है दोनों में बताओ जो आपका एक्सीयल है है ना एक्सील वेक्टर जो होते हैं वो अलोंग द एक्सिस लगते हैं अलोंग द एक्सिस डायरेक्शन होती है इनकी अप्लाई कहाँ पे होते हैं ना अलोंग द एक्सिस होती है जैसे कि आपका जो रोटेशनल इफेक्ट होता है आपका रोटेशन रोटेशन से रिलेटेड जितने भी डायरेक्शन के आम, मतलब डिफाइन करते हैं हम वो आपको एक्सीयल वैक्टर से डिफाइन करते हैं राइट कैसे जैसे कि आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन देते हैं तो वो इस तरह से डायरेक्शन निकालते टाइम आपका ये अलोंग द एक्सेस लगते हैं ना डायरेक्शन कहाँ पे आती है अलोंग द एक्सेस आती है ऑन द अदर हैंड अगर हम पोलर की बात करें तो पोलर में क्या होता है कि आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पोलर को पोलर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका क्या बनाते हैं हम एरो बनाते हैं ऐसे ये एरो ड्रॉ करते हैं एरो का आपका जो लेंथ होती है वो आप मैग्नीट्यूड को शो करती है और जो एरो के ये जो आपका एरो का सिंबल है यहाँ पे ये आपके डायरेक्शन को शो करता है राइट तो ये आपका हेड ये क्या हो गया आपका हेड हो गया और ये आपका टेल हो गया राइट इस तरह से बनाते हैं ना हाँ तो ये जो हो गई जिनको रिप्रेजेंट कर सकते किसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है उन उस तरह की जो क्वान्टिटीज होगी वैक्टर क्वान्टिटीज होगी उनको हम किस किस्म का कंसिडर करते हैं पोलर में कंसिडर करते हैं ठीक है बेटा ओके चलो हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं फटाफट रिवाइज़ कर रहे हैं और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे राइट right? तो अब वैक्टर्स जो है हमारे किस मतलब हम कैसे डिवाइड करेंगे वैक्टर्स को वैक्टर्स में देखो सबसे पहले क्या होता है इक्वल वैक्टर हो गया आपका अगर मान लो कह रहे हैं कि दो वैक्टर इक्वल है इसका मतलब क्या हो गया आपका इसका सिंपली मतलब ये है कि इक्वल वैक्टर्स में आपका सपोज ये वैक्टर एक ये वैक्टर ए है है ना एरो से एरो से करते हैं वैक्टर ए को हाँ कोई भी वैक्टर हो उस पर एरो हम एरो यूज करते हैं राइट ओके और ये वैक्टर बी है कोई अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया इनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम होनी चाहिए राइट दैट मींस ए इक्वल टू वैक्टर ए इक्वल टू वैक्टर बी राइट मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करते हैं ये वाला मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए मतलब ये अगर होरिजेंटल से आपका जीरो डिग्री पर है बी वेक्टर तो ए भी आपका जीरो डिग्री मेंटेन करना चाहिए ना हॉरिजॉन्टल से राइट right? अगर फिफ्टीन डिग्री है तो बी भी दोनों को फिफ्टीन डिग्री पर होना चाहिए मतलब वो डायरेक्शन होनी चाहिए आपकी कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहे हैं आपके फिफ्टीन डिग्री बना रहे हैं राइट right? ये आपका इक्वल वैक्टर हो गया अच्छा इसके बाद में पैरेलल वैक्टर की बात करें हम तो यानी पैरेलल वेक्टर का मतलब कितना क्या हो गया पैरेलल वेक्टर का मतलब ये हो गया कि आपके जो हमें इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें काम आएंगे ना वही हम डिस्कस करें बेटा ठीक है पैरेलल वेक्टर हो गया जिनकी डायरेक्शन सेम होगी राइट right? ये ए और बी अगर मान लो ये आपका ए और बी लिया था हमने ये कैप, कैपिटल ए और कैपिटल बी ले, ले लेते हैं अगर मान लो ये पैरेलल वेक्टर है तो डायरेक्शन सेम होगी इनकी राइट ये डायरेक्शन अगर आपकी हॉरिजॉन्टल से जीरो डिग्री है या फिर वर्टिकल से आपके नाइन्टी डिग्री है है ना कोई भी एंगल होगा तो दोनों सेम एंगल बनाएंगे हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से राइट लेकिन इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है मतलब इस केस में आपका अगर पैरेलल वेक्टर है तो आपका ए का मैग्नीट्यूड और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं हो सकता हो सकता है इक्वल भी हो और इक्वल नहीं भी हो ठीक है तो ये कंडीशन बनती है इसके अलावा अगर मान लो हम कह रहे कि कोई वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है है ना कोई वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या हो गया नेगेटिव वेक्टर का मतलब ये हो गया बेटा कि उसकी जो डायरेक्शन है वो आपके रिवर्स हो गई राइट अगर मान लो वैक्टर ए की डायरेक्शन ये है वैक्टर डायरेक्शन वैक्टर ए की डायरेक्शन ये है तो आपके जो वैक्टर इसका जो नेगेटिव होगा माइनस ए होगा वो क्या होगा माइनस ए होगा और ये इस तरह से होगा माइनस ए राइट right. क्या होगा इसमें आपकी डायरेक्शन बदल जाएगी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन है ना मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा क्या करें हम रि जो नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि आपका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन आपकी चेंज हो गई रिवर्स हो गई राइट right. इसके अलावा जो हमारे काम आता है बेसिकली वो आपका यूनिट वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर क्या होता है जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है हमें कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका कितना आता है यूनिट आता है मतलब वन आता है आपका यूनिट वैक्टर जो हो गया यूनिट वैक्टर उसमें मैग्नीट्यूड कितना आता है बेटा हाँ क्या है मैग्नीट्यूड मान लो ये एक आ, ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड वन रहेगा राइट अगर ए का हम ए को यूनिट वेक्टर सपोज कि हमें कोई वेक्टर दिया हुआ है उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं हम बिल्कुल निकाल सकते हैं कैसे सपोज कि कोई ये वेक्टर ए दिया हुआ है हमें ऐसे चलो यही हमने यहाँ पे ले लिया तो हम इसको अलग वेक्टर ले लेते हैं सपोज़ कोई वेक्टर पी दिया है राइट अब पी का हमें क्या है हमारे पास में ये ये है कोई पे वेक्टर पी राइट इस तरह से है तो हमारे पास में यूनिट वेक्टर कैसे आएगा हमारे पास में ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन तो सेम हो पी के जो डायरेक्शन है उसी के अलोंग उसकी डायरेक्शन हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड वन हो सपोज़ पी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना है सपोज फाइव आ रहा है हमारा मैग्नीट्यूड तो हमारे पास में ऐसा कोई मैग्नीट्यू वेक्टर आना चाहिए पी कैप अगर इसको लिख सकते हैं हम कि कैसे कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो वन आना चाहिए तो बेटा इसको कैसे निकालते हैं देखो ये करते हैं पी कैप इजक्वल टू वैक्टर अपॉन वैक्टर का मैग्नीट्यूड राइट right? तो क्या बच गया इसका जो भी मैग्नीट्यूड है उसको हमने डिवाइड कर दिया तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा फिर यूनिट वैक्ट यूनिट आएगा बेटा है ना वन आएगा राइट right? तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का क्या निकाल सकते हैं यूनिट वैक्टर निकाल सकते हैं क्लियर है वेरी गुड आगे चले गुड अब हमें बताओ को प्लेनर वैक्टर सुना होगा आपने ना को प्लेनर वैक्टर क्या हो गया कि वो दोनों वैक्टर जो हैं वो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं राइट right? ये आपका बोर्ड जैसे है है ना तो इसमें ये एक प्लेन हो गया अगर मान लो कोई वैक्टर एक ऐसे है ये वैक्टर है कोई भी राइट right? तो दूसरा वैक्टर सपोज इस तरह से है यहां से इस डायरेक्शन का लो होंगे ऐसे तो ये को नहीं होंगे क्योंकि ये वैक्टर इस प्लेन में ये वाला जो प्लेन है इसमें आ रहा है और ये वैक्टर जो है ये अलग प्लेन में आ रहा है जिसका कुछ एंगल बना रहा है इससे ना तो कोप्लेनर नहीं होंगे बेटा ठीक है तो ए आपका कब होगा कोऑपिनर जब दूसरा वैक्टर इसमें सपोज कोई भी वैक्टर ये है आपका आ, ये डायरेक्शन कुछ अलग भी हो सकती है ये सपोज वैक्टर सी है आपका तो ए और सी कब कोपनर होंगे जब आपके दोनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं राइट ओके गुड इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट हाँ नल वैक्टर नल वैक्टर का मतलब क्या हो गया जीरो वैक्टर है ना जिसका मैग्नीट्यूड आपका क्या होता है जीरो होता है और डायरेक्शन क्या होती है अनडिफाइंड होती है राइट right? तो इसके साथ में और कौन से और भी कोई वैक्टर सिंपल कुछ जो हमें काम में लगता है वो हम कंसिडर कर रहे हैं इसमें बाकी और भी कोई डेफिनेशन दी हो बेटा अलग तरह के वैक्टर दिए होंगे ओके एक बार आप चाहो तो रेफर कर सकते हो बुक को अच्छा इसके बाद में आपका जो काम आता है वो हमारा आता है वैक्टर सम एडिशन है ना एडिशन वैक्टर सम कैसे करते हैं हम अगर मान लो हमें वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी को सम करना है राइट तो ये कैसे निकालते हैं हम सिंपल है ट्रैंगर ट्रैंगल लॉ जो है वैक्टर सम का वो लगा सकते हैं हम या फिर पैरालोग्राम लो है जो वो यूज कर सकते हैं राइट ट्रैंगल लॉ क्या है ये कह रहा है कि ए और बी का सम मान लो सी वैक्टर के इक्वल है राइट तो हम क्या करेंगे हमारा सपोज़ ये वैक्टर ए है और हमारा सपोज ये वाला वैक्टर बी है क्या है चलो इसको कलर चेंज कर लेते हैं ओके okay. आपका ये वेक्टर बी है सपोज ये वेक्टर आपका बी है राइट right? तो ए और बी को हम सम कैसे करेंगे बेटा सिंपल है आपका मेथड ए प्लस बी अगर हम कर रहे हैं ए प्लस बी कर रहे हैं हम राइट right? तो क्या होगा आपका जो वेक्टर ए है उसको हम ड्रॉ करेंगे अच्छा वेक्टर्स को हमें पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं हम वेक्टर ए को यहाँ पर ड्रॉ किया हमने तो वेक्टर ए को हम नीचे भी लेके आ सकते हैं लेकिन इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए राइट हम यहाँ इसको ए को यहाँ पर भी लिख सकते हैं सेम ओरिएंटेशन के हाथ में हम वेक्टर ए को यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हैं राइट ये वैक्टर ए है ये भी ये भी वैक्टर ए है अगर डायरेक्शन चेंज नहीं किया हमने और इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया तो हम इसको कहीं पर भी क्या कर सकते हैं उस प्लेन में शिफ्ट करते हैं सेम प्लेन में शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे प्लेन में नहीं करेंगे ना या इसके पैरल दूसरे अगर ये प्लेन ले रहे हैं हम तो इसके पैरल में आ जा आ सकता है लेकिन ऐसा नहीं कि इसको हम इसका ओरिएंटेशन चेंज कर हैं ओरिएंटेशन हम कभी चेंज नहीं कर सकते बेटा इसका ठीक है ध्यान रखना है इसको तो अब इसमें केस में क्या करेंगे हम सिंपल ए प्लस बी अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं ए का जो ये एक की टेल है और ये एक का हेड है ये हेड है और ये आपके टेल है राइट right? तो क्या करेंगे बी को यहां से पैरेलल शिफ्ट करेंगे हम किधर ए की तरफ किस तरीके किस तरीके से करेंगे कि बी की जो टेल है आपकी जो बी हो गया बी की जो टेल है वो ए के हेड पर आ जाए राइट right? ओके okay. चलो शिफ्ट करते हैं इसको पैरेलल शिफ्ट किया हमने और ये बी लेंथ भी सेम रखनी ना क्योंकि मैग्नीट्यूड बात आ रही है तो ये हमने बी को शिफ्ट कर दिया यहां पे तो ये जो इसके फिर ए के जो टेल और बी का जो हेड है ये जो वेक्टर बनेगा बेटा है ना आपका देखो ये जो वेक्टर बना ये वेक्टर आपका क्या हो गया सी ये इक्वल है किसके ए प्लस बी के और इसकी सी की डायरेक्शन क्या होगी इस वेक्टर के जो डायरेक्शन आई है वो सी की डायरेक्शन होगी राइट ये तो आपका ट्रैंगल लोग अगर ए माइनस बी करना हो हमें तो ए माइनस बी करना है आप सपोज तो क्या होगा हम इसका B का A तो वही रहेगा हमारा और B का हम क्या करेंगे रिवर्स वैक्टर लेंगे तो बी मतलब माइनस माइनस बी बनाएंगे इसको ये तो इसके पैरेलल डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे यही हो गया ना क्लियर है ओके तो ए माइनस बी को हम करते हैं डिनोट चलो ओके इसी ये हमारा ए हो गया देखो ये हमारा ए हो गया यहाँ पर नहीं चलो इधर कर लेते हैं ओके यहाँ पर कर लेते हैं चलो हाँ ये हमारा ए हो गया वेक्टर ए और हमारा माइनस बी ए माइनस बी निकाल रहे हैं ना हम तो ए माइनस बी माइनस बी कहाँ से ये है तो इसको चलो पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं माइनस बी को तो ये कैसे आएगा आपका ये हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया माइनस बी को तो ये क्या हो गया आपका जो फाइनल जो वेक्टर बना वो आपका ए माइनस बी मतलब क्योंकि जहां से हमने शुरू किया था तो इसकी टेल और इसका हेड ये कनेक्ट कर देंगे तो ये वेक्टर जो आ गया ये ए माइनस भी आ गया बेटा ठीक है हमें ये वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करने आने चाहिए उससे क्या होगा कि हमारे जो इस चैप्टर में तो काम आएगा वैक्टर के में लेकिन इसके बाद में फिज़िक्स में जो मैकेनिक्स में है और दूसरे जो चैप्टर्स हैं हमें वहाँ पर भी इसका यूज रहेगा वैक्टर्स का राइट पैरोलोग्राम लोग कैसे कैसे एक्ट करता है बताओ कैसे यूज़ करते हैं हम पैरोलोग्राम लोग को ये समझ में आ गया क्लियर है ना हाँ चलो आपका चलो पैरोग्राम का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कैसे करते हैं हम काम में ओके वही एग्जाम्पल लेते हैं चलो ये हमारा वैक्टर ए है ये वैक्टर ए ठीक है और इसके साथ में हमारा कौन सा वैक्टर लिया हमने बी सपोज ये आपका वैक्टर बी है राइट वही सेम ले रहे हैं। तो इसको कैसे सम करेंगे पैरोल पैरोोग्राम में क्या करते हैं हम इस कि आपकी जो टेल से टेल टेल से टेल मैच करते हैं तो इसको ऐसे शिफ्ट करेंगे कि ये इसकी टेल यहाँ पर आ गए आपके ठीक है ये वेक्टर बी ये दोनों के टेल लेके आएंगे फिर इसका जो पैरेलल एक इसका क्या करेंगे इसका एक पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इसके हेड से किसका पैरेलल ए का ये ए हो गया ना? और फिर हम ऐसे ही बी का पैरेलल ड्रॉ करेंगे एक बी का पैरेलल ये बी का पैरेलल हो गया बेटा बी का पैरेलल तो इसका जो ये मान लो आपका ओ है ये ए ये आपका बी और ये पॉइंट सी है तो आपका जो ओ सी हो गया ये आपका हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ठीक है इसका जो डायगोनल आया ओ सी है ना ये वाला ये वाला डायगोनल आपका क्या दे रहा है हमें ए प्लस बी दे रहा है ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस बी राइट right? अब बताओ मुझे कि जो दूसरा डायगोनल होगा जो दूसरा डायगोनल है ये वाला तो ये क्या वैल्यू देगा हमें हाँ ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ये देगा हमें ए माइनस बी ठीक है बी के हेड से इसकी जो टेल होगी और ये आपके ए के हेड पर आएगी ए के हेड को कनेक्ट करेगी तो ये आपका देगा a माइनस बी राइट देखो वैसे भी अगर हम सम की बात करते हैं तो ये a ये माइनस बी हो गया तो ये माइनस बी सॉरी ये बी है ना हाथ ट्रेंगल में अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा फिर ये आपका इसमें इस, इस सपोज ये वेक्टर सी डैस है तो हम देख सकते ना वेक्टर ए प्लस वेक्टर आपका माइनस ये लिखनी डायरेक्शन ये, ये उल्टी डायरेक्शन इसकी तो ये आपकी माइनस आ जाएगा यहाँ पे माइनस सी सी टू आपका वेक्टर बी तो सी टू ए माइनस बी ठीक है बेटा कैसे भी आप निकाल सकते हो ये आपने पढ़ा भी है बस जस्ट एक रिवीजन कर रहे हैं हम यहाँ पर अच्छा आप मुझे बताओ किसी भी वेक्टर को जो है हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स वाई जेड है ना आई जे के पढ़ाई आपने अच्छा पहले उससे पहले हम प्रोडक्ट की बात आ, मतलब जो दो वेक्टर का प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे उसकी बात कर लेते हैं तो वेक्टर प्र, जो प्रोडक्ट करते हैं हमें ना प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स कैसे आता है स्केलर आता है एक तो है ना स्केलर का मतलब क्या हो गया कि जो डॉट प्रोडक्ट है जैसे वैक्टर ए है वैक्टर ए और बी सपोज दो वैक्टर हमारे पास में है वैक्टर ए डॉट बी तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा ये आपका स्केलर क्वांटिटी आएगी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इन दोनों के बीच में जो एंगल हो गया उसका कोश राइट अगर दोनों के बीच में ये क्या है थीटा थीटा आपका ए और बी के बीच में जो एंगल है मान लो ये ए है और ये बी है तो ये जो थीटा हो गया ये ए है आपका और ये आपका बी है तो जो दोनों के बीच में एंगल जो हो गया वो आपका थीटा हो गया राइट तो ये ए बी क्रॉस थीटा ये आपका क्या है आपका डोट प्रोडक्ट राइट क्या बोलते हैं डोट प्रोडक्ट डोट प्रोडक्ट ओके okay, दूसरा जो हो गया कि हम अगर इसका दूसरा जो वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं जिसको ना क्रॉस प्रोडक्ट अगर मान लो ये हम कहें कि ए क्रॉस बी है एक क्रॉस प्रोडक्ट तो ये कैसे आएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा एन कैप आपका यानी कि एन कैप क्या कर बता रहा है ये ये हमें बता रहा है कि जो इनका प्रोडक्ट है वो कैसा है आपकी स्केलर क्वांटिटी नहीं है ये ये आपके एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ध्यान रखना क्रॉस प्रोडक्ट से आपको क्या मिलती है वेक्टर क्वांटिटी मिलती है ठीक है बेटा क्लियर है आगे चले गुड अगर मान लो हमें कोई भी जैसे ये वेक्टर की फॉर्म आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है वेक्टर है ना बेटा हम फास्ट कर रहे हैं थोड़ा सा तो ज़्यादा हमें समय नहीं लेंगे इसमें सपोज ए वेक्टर दिया हुआ है ये आपका आई टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के है ना आई जे के क्या है यूनिट वेक्टर हैं आई अलोंग एक्स एक्सिस जे अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग जेड एक्सिस राइट किसी भी हम किसी भी पॉइंट को मतलब उसके जो ओरिएंटेशन है ओरिजिन से उसको हम क्या कहते हैं आपका आ, उसको हम कैसे लिख सकते हैं वेक्टर की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं हम आई जे के की फॉर्म में राइट right? ओके okay. तो आप ये देखो हमें हमारे पास में अगर हमने इसका प्रोडक्ट और बी मान लो इस तरह से वैक्टर है आपका थ्री आई माइनस टू जे प्लस के ठीक है ये बी वैक्टर हो गया तो अगर हमें इनका जो डॉट प्रोडक्ट करना पड़े जैसे क्या कि ए डॉट बी करना पड़े तो क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट ना बताओ कैसे करेंगे इस केस में बेटा ध्यान रखना आपने पढ़ा भी है कि आई डॉट आई 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 डॉट आई और जे डॉट जे और इस तो के डॉट के क्या होता है ये किसके इक्वल होता है तीनों बताओ आई डोट आई जे डॉट जे के डॉट के देखो कैसे है आई दोनों ये सेम एक्टर हो गए है ना तो आई का मैग्नीट्यूड वन दूसरे आई का मैग्नीट्यूड वन ए बी कोश थीटा लिखते हैं ना हम कोश थीटा दोनों के बीच में थीटा कितना है थीटा जीरो डिग्री और cos जीरो कितना होता है वन होता है तो ये वन आ गया यानी आई डॉट आई कितना आएगा वन आएगा जे डॉ ऐसे जे डॉट जे कितना आएगा वन आएगा के डॉट के क्या आएगा वन आएगा ठीक है क्लियर है बेटा ओके अगर हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखना हो है ना आई क्रॉश आई तो ये क्या आएगा बेटा इसमें क्या लिखते हैं हम आई क्रॉस आई मतलब आई का जो मैग्नीट्यूड वो, वो वो वन होता है यूनिट है आई का दूसरे का वन साइन दोनों एक ही वेक्टर है दोनों के सेम वेक्टर है ना तो थीटा कितना हो गया जीरो एंड कैप है ना तो ये आपका साइन जीरो जीरो जीरो, जीरो 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 इंटू जीरो जीरो इंटू वन जीरो ही आ गया आपका यानी कि आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के आपका क्या आएगा जीरो क्लियर है बिल्कुल वेरी गुड अभी इस पर आएंगे हम कि इसका प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम है ना डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे ए और बी का तो ये हमें समझ में आ गया हमें गुड अब देखो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं एक बार वो भी समझ लेते हैं ठीक से देखो बेटा ये सपोज आई है ये आपका जे ये एक आपका के है राइट के कैप कैप लिखते हैं इसको ना यूनिट वेक्टर के लिए तो आई डॉट जे क्या कर रहे हैं हम आई से जे की तरफ ये तो हमें क्या मिलेगा आई क्रॉस जे अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो क्लोक वाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं हम है ना आई जे को ऐसे हम नोट डाउन कर सकते हैं उसके बाद में क्लोक वाइज डायरेक्शन में अगर हम रोटेट कर रहे हैं आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो आपका के आएगा क्या देगा नेक्स्ट वाला के बच गया के आएगा आपका ऐसे ही अगर मान लो आप जे क्रॉस के करते हो है ना जे क्रॉस के तो क्या आएगा आपका आई आ जाएगा ओके okay? और नेक्स्ट चलो के क्रॉस आई हमने किया तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ अभी है क्रॉस आई किया तो जे आ जाएगा अगर हम इसको ये क्लॉक डायरेक्शन में किया है अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं डायरेक्शन को क्या कर देते हैं हम अगर रिवर्स कर देते हैं ऐसे ऐसे करते हैं तो हमारे क्या चेंज होगा ये के माइनस के हो जाएगा के कैप, ये माइनस आई कैप हो जाएगा ये माइनस जे कैप हो जाएगा राइट ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन एंटी क्लोक डायरेक्शन और ये आपका क्लोक डायरेक्शन राइट right? क्लियर है दोनों आता है वेरी गुड अब देखो हम डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पर चलते हैं ए डॉट बी तो ए डॉट बी करेंगे हम ए डॉट बी तो क्या आएगा बेटा बताओ मुझे हाँ फटाफट श्याबाश फटा. हम पढ़ चुके हैं ना तो वेरी गुड इसी से करते हैं ए डॉट बी तो आई हमें पता है आई डॉट आई वो तो वन आएगा लेकिन ऐसे ही आई डॉट जे ये भी हमने आई डॉट जे अगर हम करेंगे तो क्या आएगा बताओ मुझे एक बार भाई आई का मैग्नीट्यूड वन इंटू जे का मैग्नीट्यूड वन यूनिट वेक्टर है दो, दोनों दोनों के बीच में एंगल अगर आई एक्स एक्स का लॉन्ग है तो जे आपका वाई एक्सिस के का लॉन्ग हो गया राइट तो एंगल कितना हो गया नाइन्टी डिग्री इंटू कोश नाइन्टी डिग्री क्या आ गया कोश नाइन्टी कितना होता है जीरो जीरो तो इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो तो आई डॉट आई करेंगे तो जीरो आएगी सॉरी आई डॉट जे करेंगे तो आपकी जीरो आएगी ऐसे जे डॉट के करेंगे तो भी वैल्यू जी जीरो आएगी अगर के क्रॉस आई के डॉट आई करेंगे तो भी वैल्यू जीरो आएगी यानी आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के अगर हम ऐसा करते हैं तो वैल्यू वन आएगी ठीक है बेटा बिल्कुल सिंपल है तो ऐसे इसमें जब हम इसको ए और बी को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा आई आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना दोनों इसके जो कॉफिशेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे इनके तो टू इंटू थ्री सिक्स आई डॉट आई मतलब वन प्लस थ्री जे डॉट जेड वन होगा बाकी आई को किसी के साथ जे के साथ करेंगे जीरो के के साथ करेंगे 0, तो जीरो तो केवल आई डॉट आई आएगा यहाँ पे ऐसे ही जे को जे के साथ डॉट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे वन तो आएगा बाकी के साथ करेंगे तो जीरो आ जाएगा तो ये क्या आएगा थ्री माइनस टू माइनस सिक्स वेरी गुड के फोर के अन के फोर प्लस बाकी सब आएंगे वो सब जीरो आएंगे राइट right? तो कितना आ गया ये हमारा ये सिक्स माइनस सिक्स जीरो फोर ये फोर आ गया आंसर ए डॉट बी कितना आया आपका फोर आया क्लियर है अगर मान लो हमें ऐसे ही ए क्रॉस बी करना है यही एग्जाम्पल लेते हैं हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल लेने से समझ में जल्दी आता है बेटा इसलिए हम ले रहे हैं अगर मान लो हमें ये क्या करना है आपका ए क्रॉस बी करना है सपोज तो इसको क्रॉस पर हमने देख लिया था वो तो क्या कि आई क्रॉस आई तो आपका जीरो आ गया आई क्रॉस जे क्या आया के आ गया है ना किया था ना अभी जस्ट अभी जस्ट पहले ओके okay. तो लेकिन इसका दूसरा मेथड जो डिटर्मिनेंट मेथड है वो भी हम यूज कर सकते हैं तो वो क्या है बेटा ये आई जे और के ये हम क्या करते हैं इसको आई इसको इक्वल रख देंगे ये कितने ए क्रॉस बी के राइट तो ये क्या आएगा आपका आई जो आई जे के पहले ए वाला ए हाँ है हमारे पास में तो पहले ए के जो कॉफिशेंट यहाँ पे वो पुट करेंगे यहाँ पे देखो आई का कितना है टू जे का थ्री के का फोर उसके बाद में हम बी का लेंगे कौन सा बी बी के कितना है थ्री माइनस टू के का वन राइट right. अब ए क्रॉस बी हम कर रहे हैं तो ये कैसे आएगा देखो अब तो सबसे पहले हम आई को लेंगे है ना आई को ये हमने आई ले लिया और इसके साथ में अब जो हम बनाएंगे देखो ये वाला जो कॉलम है आई को ले लिया तो हमने ये वाला कॉलम ये वाला कॉलम और ये वाली रो हटा देंगे और ये हमारे पास में बच गया ना। तो है ना तो सबसे पहले इस एलिमेंट को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना हाँ थ्री इंटू वन कैसे लिखेंगे थ्री इंटू वन माइनस माइनस करेंगे फोर इंटू माइनस टू तो माइनस ये और माइनस टू वाला वो माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा फोर इंटू टू क्या आ गया आपका एट ये लो उसके बाद में जे क्या लिया हमने जे माइनस जे जे को माइनस करेंगे अब क्या काम करेंगे हम देखो अब हमने ये वाले इसके जो रो और इसके कॉलम है जे जिस रो में है जिस कॉलम में तो उनको हटा देंगे तो ये तो हट ही जाएगा बेटा उसके साथ में ये कॉलम हट जाएगा तो बच कौन से कॉलम गया फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम तो वही करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट वही टू इंटू वन टू इंटू वन माइनस थ्री इंटू फोर राइट वेरी गुड अब इसके साथ में नेक्स्ट आई हो गया जे हो गया अब नंबर आ रहा है किसका के का प्लस के के कैप वही अब क्या करेंगे वही सेम काम करेंगे हम इस कॉलम को हटा देंगे और ये ऊपर के रो को हटा दिया तो बच के उनसे क्या है फर्स्ट और सेकंड कॉलम माइनस टू माइनस टू है ना टू माइनस टू कितना हो गया माइनस टू इंटू टू कितना फोर हो गया माइनस थ्री इंटू थ्री थ्री इंटू थ्री नाइन ये हो गया तो इसको सोल करो बेटा कितना आया आप थ्री इंटू वन थ्री प्लस एट इलेवन इलेवन आई आई का माइनस टू इंटू वन टू माइनस ट्वेल्व यानी माइनस टेन माइनस टेन और माइनस का ये प्लस यानी टेन जी प्लस का के माइनस टू मतलब माइनस फोर हो गया माइनस टू इंटू टू माइनस फोर और ये माइनस नाइन कितना हो गया माइनस माइनस थर्टीन माइनस थर्टीन के तो आपका आप जो ए क्रॉस बी आया ए क्रॉस बी आया वो क्या आ गया ये वाला वेक्टर बेटा ही आ रहा है ना हमने कहा था ना वैक्टर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ही होता है तो आपका ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया आपका इलेवन आई प्लस टेन जे माइनस थर्टीन के अगर आप ये हमने डिटरमिनेंट मेथड से किया है अगर आप सिंपल मेथड से करोगे आई क्रॉस आई वाले से तो उससे भी आपका सेम आंसर आएगा बेटा ठीक है ये हमने मेथड डिस्कस कर लिया है अब हमने जो इसके बेसिक्स हैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे बेसिकली जो काम आते हैं वो आपका क्या हो गया हमने डिस्कस कर लिया है अगर मैं ये कहूँ कि दो वैक्टर आपके परपेंडिकुलर है आपस आप में दो वेक्टर ए और वै वैक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में इस तरह का कुछ दिया होता है इसका मतलब ये कह रहा हूँ मैं कि आपके दोनों का क्रॉस जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा जीरो होगा मतलब मैं ये कह रहा हूँ डायरेक्टली कि ए डॉट बी जो है वो जीरो है यानी ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो क्योंकि आपका जो कोर्स थीटा है कोर्स नाइनटी कितना होता है जीरो होता है राइट तो मैं आपको इंडायरेक्टली ये कह रहा हूँ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा ठीक है चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं अब ये देखो आपका नीट 2020 का क्वेश्चन है एक क्या दिया हुआ है फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन ए फोर्स ऑफ 3j न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2k कैप मीटर अच्छा पोजीशन वेक्टर दिया है इसने आपका फोर्स दिया है राइट किसके रेस्पेक्ट में दिया है इसने ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दिया है पोजिशन वैक्टर हमने ओके डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा पोजिशन वैक्टर क्या होता है बेटा पोजिशन वैक्टर होता है अगर मान लो ये कोई पॉइंट पी है आपका और इसके कोऑर्डिनेट दिए हमें हमें एक्स वाई और जेड तो इसका जो ओरिजिन ये ओरिजिन है मान लो है ना ये आपका ये एक्स एक्सिस हो गया आपका ये वाई एक्सिस हो गया ये आपका जेड एक्सिस हो गया क्लियर है और ओरिजिन आपका कितना होगा ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जीरो 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 तो ओरिजिन को अगर हम उस पॉइंट से में क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे पॉइंट पी से ये वाला तो आपका ये पी से ज्वाइन कर दिया तो ये वाला जो ओ पी ये पॉइंट ओ है सपोज और ये पॉइंट पी तो ओ पी आपका क्या हो गया वैक्टर ओ पी टू आपका पोजिशन वैक्टर ठीक है हम फास्ट फास्ट रिवीजन कर रहे बेटा क्योंकि हमें समय समय कम है हमारे पास में एक बार हल्का सा रिविजन करके उसके बाद में हम प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं तो अब ये क्या कर रहा है कि आपका पोजिशन फैक्टर का मतलब समझ में आ गया ओके गुड फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन वन ए फोर्स ऑफ थ्री जे फोर्स क्या दिया आपके पास में एफ इज इक्वल टू थ्री जे राइट एक्ट ऑन ए पार्टिकल हुज इज के यानी कि इसको हम हु क्या बोल सकते हैं हम आर भी बोल सकते हैं आर वैक्टर है ना तो आर वैक्टर हमें दे दिया आपका टू के तो बेटा हमें टॉर्क पता होना चाहिए टॉर्क पूछ रहे हैं ना टॉर्क क्या होता है हमारा बताओ सिंपल आपने पढ़ रखा होगा ना टॉर्क का हो हाँ टॉर्क जो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है बिल्कुल कौन सी वेक्टर कौन सी है एक्सियल ये होता है आर क्रॉस एफ ये हमारा टॉर्क होता है राइट यानी कि दोनों का हमें क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट करना है क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा आपका यानी आपका टू के इंटू थ्री जे अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट में आपका सीक्वेंस भी मायने रखता है ना कि हमने ये नहीं लिखा थ्री जे इंटू टू के कर दिया क्रॉस टू टू के कर दिया ऐसा नहीं किया ना हमने हाँ क्योंकि सीक्वेंस जो है आपका वो मायने रखता है उसकी मीनिंग अलग वैल्यू बदल जाती है उसके साथ में बेटा ठीक है तो ये क्या आया हमारा के क्रॉस जे ध्यान है भूल गए क्या था आई जे और के ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है क्लोक वाइज डायरेक्शन में करते हैं तो हमें अगर आई और जे को किया हमने क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको के मिलता है जे और के को किया तो आपको क्या मिलेगा आई मिलेगा के और आई को किया तो आपको क्या मिलेगा जे मिलेगा राइट तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं के और जे को कर रहे हैं के और जे को अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं मतलब है ना तो यानी कि जब अपोजिट डायरेक्शन में हम करते हैं अगर हम यहाँ से इधर जा रहे हैं है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा माइनस का आई मिलेगा है ना तो आपका टू और थ्री कितना हो गया सिक्स और ये आपका माइनस आई कैप के क्रॉस जे यानी क्या आया हमारा माइनस सिक्स आई आ गया आंसर क्या आया बता बताओ बताओ आंसर क्या आया आपका माइनस माइनस सिक्स आई कैप देखो कौन सा है और यूनिट तो लगाओगे नोटा हाँ तो और के यूनिट क्या हो गया न्यूटन मीटर तो आपका सी आंसर हो गया क्लियर है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था केवल आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए ये हमने समझाने में लंबा कर दिया बाकी थे आपका थर्टी सेकंड क्वेश्चन है आपने एक बार सॉल्व कर लिया उसके बाद में राइट आपका नीट 2018 का क्वेश्चन है ये नेक्स्ट द मोमेंट ऑफ द फोर्स एफ इज इक्वल टू फोर आई प्लस फाइव जे माइनस सिक्स के एट ये पॉइंट दे रखा है अबाउट द पॉइंट किसके रेस्पेक्ट में मोमेंट निकालना है ना मोमेंट मोमेंट आपने पढ़ा होगा फोर्स का किसके रेस्पेक्ट में निकालना मोमेंट और टोर के एक ही बात है बेटा ना हाँ फोर्स का ये फोर्स गिवन है हमारा किस पॉइंट पर इस पॉइंट पर दिया हुआ है और इसका मोमेंट निकालना है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इज गिवन बाय तो देखो हमने जो पोजिशन वैक्टर उसमें लिया था पोजिशन वैक्टर का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिया था लेकिन यहां पर जो पोजिशन वैक्टर बनेगा इस पॉइंट का वो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कह रहा है ना सोचे पर सोल्व करो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा मुश्किल नहीं है आप थोड़ा तो ट्राई करोगे तो आप कर पाओगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बताओ हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें हमें इस पॉइंट का मान लेते हैं ये पॉइंट पी है सपोज और ये पॉइंट आपका क्या है कोई भी मान लो क्यू पॉइंट मान लो तो हमें पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो इसके रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा है ना तो क्या आएगा बेटा हम मान लेते हो वो पोजिशन वैक्टर को आर मान लेते हैं आर वैक्टर तो हम कैसे निकालते हैं ये ये माइनस इसके जो ये पॉइंट दिए हैं इसके इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं इसके कोऑर्डिनेट माइनस ये ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट तो आपका एक्स में से एक्स माइनस कर देंगे यानी टू तो माइनस टू कितना बचेगा जीरो जीरो आई प्लस जीरो माइनस माइनस टू है ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू जे माइनस थ्री माइनस टू माइनस इंटू माइनस टू है ना प्लस का हो जाएगा टू तो माइनस का वन बच गया माइनस के तो ये आपका आर आ गया इस केस में ये आपका आर आ गया एफ आपको गिवन है तो हमारा जो टॉर्क होगा वो क्या होता है अभी लास्ट क्वेश्चन में मोमेंट या टॉर्क क्या होता है बेटा मोमेंट आपका क्या होगा बताओ फटाफट बताओ मोमेंट इक्वल टू आर क्रॉस एफ राइट right? तो आर क्रॉस एफ कर दो कैसे करेंगे बिल्कुल आर क्रॉस एफ इज टू डिटमेंट बना दो आई जे के आई पहले आर लिखेंगे आर के कोऑर्डिनेट ना तो आर क्या है हमारी ये जीरो चलो चेंज करो पेन को इसको हम या येलो से लिया तो येलो से लेते हैं जीरो टू माइनस वन ओके फिर एफ़ ऐप पे आ जाओ ऐप का कलर चेंज कर लेते हैं इसको सॉरी नहीं नहीं ये लेते हैं ग्रीन गुड ऐप ऐप क्या है आपका फोर आई तो फोर प्लस फाइव जे फाइव माइनस सिक्स के माइनस सिक्स करो शाबाश बेटा बताओ क्या आया आई कैसे करेंगे इस कॉलम को छोड़ दें इस कॉलम को छोड़ देंगे रो को छोड़ देंगे इससे करेंगे तो टू इंटू माइनस सिक्स मतलब माइनस ट्वेल्व माइनस माइनस वन इंटू फाइव ओके कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको तो मैं कर देता हूँ चलो टू इंटू माइनस सिक्स माइनस इसको हटा दो फाइव इंटू माइनस वन ये आपका आई आ गया राइट अब माइनस जे जे क्या आया है बताओ इस कॉलम को हटा देंगे इसको हटा देंगे फटाफट स्पीड होनी चाहिए बेटा काम करने के ना हाँ फटाफट इसको करो तो जीरो से ये जीरो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया तो आपका जीरो माइनस माइनस प्लस प्लस फोर सीधा कर रहा हूँ मैं प्लस के के में आपको ये कॉलम हटा देंगे ये वाला के के नीचे वाला कॉलम हटा देंगे तो ये बचेगा जीरो माइनस फोर फोर इंटू टू मतलब माइनस जीरो माइनस एट ओके क्या आ गया आर क्रॉस एफ बताओ अब फटाफट चलो इसी पेंसिल सो so, आपका आर क्रॉस एफ यानी मोमेंट जो आपका है वो क्या आ गया ये करो टू माइनस ट्वेल्व माइनस माइनस प्लस प्लस फाइव यानी माइनस सेवन आई माइनस जे माइनस फोर जे माइनस एट के देखो बेटा ये आपका आंसर आ गया क्या है कौन सा आंसर है ये माइनस एट नहीं माइनस माइनस सेवन आई माइनस फोर जे माइनस एट के हाँ सी आंसर आ गया आपका राइट मुश्किल नहीं था ना बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पोजिशन वैक्टर कैसे निकालेंगे इसके इस केस में मोमेंट के लिए ठीक है. है चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वैक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वैक्टर द एंगल बिटवीन दीज टू वैक्टर इज क्या कह रहा है बेटा कि दो वैक्टर हैं उनका सम जो है उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके इक्वल है उनके जो डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है उसके इक्वल है राइट right? मतलब बेसिकली मान लो ए वैक्टर है कोई और दूसरा वैक्टर बी है तो यह कह रहा है कि ए प्लस बी वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी इसका जो मैग्नीट्यूड आया वो किसके इक्वल है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के इसका क्या मतलब हुआ ये तो हमने अभी तक तो डिस्कशन ही नहीं किया ना हाँ तो बेटा कोई बात नहीं है अगर हमें ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड देखना है तो हम इसको कैसे करते हैं क्या फॉर्मूला है सीधा सीधा फॉर्मूला है ए का मैग्नीट्यूड यानी उसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी को थीटा टू ए बी इंटू कोश थीटा राइट और अगर माइनस का हो ए माइनस बी हो तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी कोटा स्क्वेयर रूट दोनों को इक्वल रख दो ये का है ना हाँ तो क्या आ गया आपका बताओ फटाफट तो ए प्लस बी क्या आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा का स्क्वायर रूट इक्वल टू बी क्या आया आपका ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी क्या आया आपका ये मैग्नीट्यूड है इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी कोर्स थीटा का स्क्वेयर रूट बेटा स्क्वेयर रूट है स्केयर रूट हटा दो दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे राइट right? तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर तो यहाँ पे ए ब ये भी कैंसिल हो जाएगा ए स्क्र से ए स्क्वय बी स्क्वेयर से बी स्क्र टू ए भी कोर्स थीटा बच गया वो माइनस का है तो इधर आएगा आपका फोर ए बी कोश कोर्स थीटा हो गया फोर ए बी कोर्स थीटा इजक्वल टू जीरो यानी क्या क्या मतलब इसका इसका मतलब है कि कोर्स थीटा इजक्ल टू जीरो कोर्स थीटा जीरो कब होता है आपका थीटा कितना होना चाहिए मतलब ए और बी के बीच में थीटा कितना होना चाहिए थीटा क्या है दोनों के बीच में एंगल है जीरो कब हुआ बेटा जब आपका दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया नाइन्टी है ना कोर्स क्योंकि होता है कोर्स जीरो का मतलब क्या हो गया कोर्स नाइनटी यानी थीटा इजक्टल टू नाइनटी राइट सिंपल क्वेश्चन था ओके द एंगल बिटवीन द वेक्टर पी पी इजक्टल टू आई प्लस जे प्लस के एंड यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज क्वेश्चन को एक बार समझो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है सिंपल क्वेश्चन है बेटा और ट्राई करो ये महाराष्ट्र के मेडिकल एग्जाम में टू थाउजेंड फोर्टीन पूछा गया क्वेश्चन है देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है आसान ही है क्वेश्चन ट्राई करो एक बार क्या कह रहा है वेक्टर दिया है ना ये वेक्टर पी वेक्टर दिया है आई प्लस जे प्लस के और एक यूनिट वेक्टर कह रहा है एंगल थीटा पूछा है उसने यूनिट वैक्टर यूनिट वेक्टर कहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर अलोंग क्या कह रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस राइट तो यूनिट वेक्टर कौन सा होता है एक्स एक्सिस के अलोंग बिल्कुल सर आ होता है इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, है ना आई जे के आई जे के क्या है आपके आई आपका आई कैप क्या है आई कैप आपका अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस एक्सिस यूनिट यूनिट है J आपका है जे कैप कैप आपका आपका वाई और के अलोंग जेड एक्सिस यूनिट वैक्टर है <coughs> क्लियर है बेटा तो इसने क्या पूछा एंगल थीटा थीटा कैसे निकालेंगे अगर मान लो हम वही एग्जाम्पल लेते हैं हमारे ए कोई ए वैक्टर दिया है और बी वैक्टर दिया है ना तो हमारे पास में क्या होना चाहिए अगर इनके दोनों के बीच में एंगल अगर हमें पूछ ले एंगल नहीं गिवन है तो क्या कैसे करेंगे भाई हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ए डॉट बी इजक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोश थीटा और कोश थीटा इजक्वल टू क्या हो गया ए डॉट बी बी डॉट है बेटा ये है ना हाँ डॉट बी अपॉन ए बी है ना यही हुआ यानी वेक्टर ए इंटू वैक्टर बी अपॉन वैक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वैक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये आपका थीटा दे देगा राइट right, तो हमारे पास में क्या क्या है वैक्टर पी है एक तो और एक वैक्टर आई है राइट right, तो इन दोनों के बीच में थीटा कितना होगा लो एंगल थीटा है हमारा तो हम लिख सकते हैं कोर्स थीटा इक्वल टू ए ए इसको मान लेते हैं हमारा तो ये हो गया आपका आई प्लस जे प्लस के है डॉट आपका बी बी कितना है आपका ये वाला वेक्टर है आई दूसरा वेक्टर है ना ओके okay, अपॉन किसका मैग्नीट्यूड A का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा पी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बताओ अगर हम देखें यहां पर तो पी का मैग्नीट्यूड आई का आई का वन है जे का भी वन है के का भी वन है यानी वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी रूट थ्री पी का मैग्नीट्यूड कितना आया रूट थ्री रूट थ्री इंटू बी का मैग्नीट्यूड बी का आई का है आई का कितना होता है वन वन का स्क्वेयर स्क्वेयर रूट आ रहा वन ही आएगा बेटा वन तो ये कितना आ गया आपका आई डॉट आई ऊपर देखो आई डॉट आई को करोगे आई को आई डॉट के साथ मतलब आई के साथ में डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वन आएगा जे के, के, के साथ करोगे तो जीरो आएगा के साथ करोगे तो जीरो अपॉन रूट थ्री यानी कि वन बाई रूट थ्री कोस्टर कितना आ गया आपका वन बाई रूट थ्री यानी कोस थीटा इजक्वल टू वन बाई रूट थ्री और थीटा इजक्ल टू कोस इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री देखो बेटा क्या कौन सा आंसर है कोस इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री हाँ फर्स्ट ही आंसर आ गया तो यही है क्लियर है तो अगर आप थोड़े से आ, किसको बेसिक्स को रिवाइज कर लेते हो और उसके बाद में आप क्वेश्चन ट्राई करते हो बेटा तो इजी वे में क्वेश्चन आपके वेक्टर्स के हो सकते हैं हो जाते हैं ठीक है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे हम हाँ। और हमें ये बेसिक समझ में आने चाहिए लेकिन उसके बाद में हमारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे ठीक है तो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे इससे आगे और हम कोशिश कर कि पी वाई क्यू आपके नीट के एग्जाम से पहले आपको काफ़ी कम से कम फिजिक्स के पी वाई क्यू हम अच्छे से करवा दें कवर करवा दें आपको ठीक है बेटा ओके थैंक यू कीप प्रसिडिंग विश यू ऑल दी बेस्ट